हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर। एक बार फिर से रेलवे भर्ती परीक्षा 2019-20 की एग्जाम डेट फाइनली घोषित कर दी गई है। आरआरबी एनटीपीसी व ग्रुप डी एग्जाम डेट 25 अप्रैल से आपकी शुरू होने वाली है। कब तक ये प्रोसेस पूरी होगी और कब ये भर्ती पूरी हो जाएगी दोस्तों, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नोटिस जारी हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे और ये बिल्कुल स्टीक न्यूज़ हमको लग रही है और उम्मीद करते हैं कि यही आपकी एग्जाम डेट हो। तो उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जैसे भी कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। तो चलिए चलते हैं नोटिस की ओर। तो नोटिस आया है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 द मच अवेटेड आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 टू बी हेल्ड ऑन 25 अप्रैल 2020। द रेलवे मिनिस्ट्री हैड प्रोमिस्ड दैट द सेकेंड फेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड बिगिन इन अगस्त 2020 के अंदर जो आपका सीबीटी सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा 25 अप्रैल से सीबीटी फर्स्ट एंड गेट कंप्लीटेड बाई जुलाई अगस्त 2021 इन द फर्स्ट फेज फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2019। आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2019 रेलवे वुड अनाउंस 99,000 पोस्ट। जो 2019 में भर्ती निकली थी दोस्तों, 99,000 पोस्ट इसके अंदर थी। हाउएवर देयर वर नो अपडेट रिगार्डिंग द आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एंड आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019। उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया कि आपके एडमिट कार्ड कब तक जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपके एग्जाम जो है 25 अप्रैल से शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस अभी यहाँ पर लग रहे हैं, जैसा कि इस नोटिस में भी लिखा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और जैसे ही हमें कोई ऑफिशियल नोटिस मिलता है तो हम आपको जरूर बता देंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।